नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और बसंत कुंज थाने के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पहलवानों को जो लोग समर्थन देने आए थे उन्हें डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद उन्हें यहाँ पर छोड़ा गया है। हरिंद्र पुनिया इस वक्त मेरे साथ हैं, बजरंग पुनिया के भाई हैं ये। अब आज जैसे हमने तस्वीरें देखी, पहलवानों के समर्थक तो वहां पर थे, लेकिन गांव देहात के जो लोग मौजूद होने चाहिए थे, जो भीड़ दिखनी चाहिए थी, वो नहीं थी। देखिए, सभी को नमस्कार। गांव जो आप बोल रहे हो ना, गांव देहात की भीड़ नहीं थी, वो सभी बॉर्डर सील कर दिए थे और वे वहीं पे बैठे थे सभी। अब बॉर्डर खुलेंगे तब वे यहीं पे आएंगे, तो सभी देशवासी हमारे साथ है इस न्याय की लड़ाई में। डिटेन आपको भी किया गया, कोई चोट आई इस समय? नहीं, चोट चाट तो नहीं चलती रहो बहन जी, चोट चाट तो नहीं होते जाते। अब बताइए ना भाई, आपके पैर में चोट आई, हम देख रहे थे लंगड़ाते हुए। ये बजरंग पुनिया के भाई हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो पैर में चोट आई है। वहाँ पर जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने इनके साथ आता भाई की ना, वहाँ पर उनको बचाव के लिए ना, ये उनके जो इनके बजरंग की जो घरवाली है ना संगीता, ये उनको बचाने में लगे हुए थे, वहां इनको चोट आई। और गांव से जो आप बोल रहे हो ना कि भाई जनता नहीं आने पाई, हर घर पे ना पुलिस बिठा रखी, कहाँ से आएगी, बाहर ताड़ा मार रखा है, पता कहाँ से आएगी। पूरी हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, पूरे देश की पुलिस लगी हुई थी कहीं आके ये जो महिलाओं की पंचायत है ना, ये सक्सेस ना हो जाए। बहुत ज्यादा घबराया हुआ था प्रधानमंत्री, पहला देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो महिलाओं से घबराया मिला है। तो आज हम ये माने कि जो महापंचायत जो होनी थी वो तो हुई नहीं है? कोई नहीं, हो गई वो, जो भी जहाँ भी बैठे थे थानों में महापंचायत हुई है, सभी देशवासी देख रहे, इसको लाइव देख रहे हैं। एक चीज तो आपने जंतर मंतर पे देखी, अब ये जो पहलवान है ये ट्रायल से डर रहे थे, आज देखे उनकी ट्रायल, एक एक श्रेणी कितनी कितनी ऊपर हैवी पड़ रही थी, जिसको भी हाथ लगा होती पांच पांच छह छह एकदम से नू दूर पड़ेंगे, तो इनकी ताकत का तो पता चल गया होगा, इस पुलिस को भी पता चल गया और पूरे देश को पता चल गया होगा, अगर इन्होंने मेहनत की हुई है। ट्रायल फिर दोबारा लेनी तो फिर ले लेंगे, ये तैयार बैठी है। एक सवाल और भाई जी, के एक अक्सर अमूमन बातचीत ही होती है कि पहलवान मुद्दे से भटक गए हैं, या इन्हें जो है भटकाया जा रहा है, या जो रास्ता होना चाहिए वो रास्ता नहीं है, ऐसा आप लोगों को भी लगता है क्योंकि आप तो बजरंग के परिवार से हैं? नहीं तो पहलवान रास्ता भटके नहीं, कुछ और, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती, और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक लड़कियों को न्याय नहीं मिलता। अच्छा, फिलहाल ना देखो, एक विवाद की खबर हमारे सामने आई थी कि बजरंग पुनिया को एक गांव की जमीन दी गई, सरपंच ने वो गांव की जमीन जो पट्टे पर दे दी बजरंग पुनिया को, उसके बाद गांव के ही कुछ लोग आते विरोध करते हैं, बोलते हैं कि ये जमीन तो दलितों की थी। इस मामले पर जरा बताएं क्या है असल बात? देखिए, ये तो गांव की वो है, पूरे गांव की सहमति से वो हुआ था ना, तो हमने अब तक कुछ किया है नहीं, कुछ और ये तो गांव का नाम मैं भूल गई, बापड़ो था गांव की जमीन थी वो, जो एकेडमी के लिए हमारी बातें चल रही थी, तो पूरे गांव की सहमति हुई थी उस जमीन को। अब तो हरेक गांव में होते पांच सात जो मतलब बोलते वो खराब करने वाले, कीचड़ उछालने वाले, तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह फैला रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि भाई हमारा कहीं भी पूछ सकते हो आप, ये नहीं कि बापड़ो था कहीं भी पूछ सकते हो, हमारा गाँव में पूछ लो या कहीं भी पूछ लो, ऐसा हम कोई भी काम नहीं करते जो मतलब एक समाज के विरुद्ध जाए। सरपंच ने पट्टे पर जो जमीन है वो गांव वालों से पूछकर बजरंग पुनिया को दी थी, उसके बाद जो दूसरा पक्ष गांव में पंचायत हुई थी, सभी की सहमति से वो हुआ था, और वो अभी हमने कोई वो थोड़ी कर दिया भैया, अभी हमने वो कर दिया, वो तो पूरे गांव की सहमति होगी, इसलिए ये अफवाह फैला के मतलब एक डरावना वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई बजरंग ये कर दिया वो कर दिया, ये गलत है। हम इसका तो दूसरा पक्ष है जो विरोध कर रहा है, वो लोग कौन है, क्यों किया? आपस में वो सरपंच है, वो जो गांव का है बाल सरपंच है, वो प्रमोद है, तो उसने उसके विरुद्ध था वो, जो भी इलेक्शन लड़ रहे थे वो, और वे कर रहे उसके साथ है भाई, किसी तरह मतलब इसको मुद्दे से भटकाया जाए, भ्रमित करे भैया बजरंग ये कर रहा वो कर रहा, ये तो आप पूछ लो वहाँ जाके गाँव में पूछो, जज्जर पूछो, वो तो सबके सामने है, ये कोई वैसी बात थोड़ी है। अच्छा, प्रोटेस्ट को लेकर बजरंग के गांव वालों का क्या सोचना है, क्या कहना है? देखिए, मेरे गांव वाले तो हर रोज आते हैं और हर रोज बोलते हैं कि भैया जैसी भी वो बोलोगे हम साथ हैं। अच्छा, अब एक तरह की परिस्थिति अगर ये आ गई जंतर मंतर पर, फिर दोबारा इस तरह की घटना हुई, या इस तरह से दोबारा पुलिस आप लोगों को डिटेन करना शुरू कर जाएगी, तो ऐसे तो एक डर हो जाएगा। हम बिल्कुल नहीं डरते, हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, डरते हुए हैं जो मतलब एक झूठ का वो, और ये लोकतंत्र की हत्या है एक किस्म से। आज मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, तो इस बच्चियों को भी न्याय दे सकते थे मोदी जी।
लेकिन वो नहीं हुआ और वो करना पड़ेगा क्योंकि देश पूरा बेटियों के साथ है और साथ था साथ रहेगा। तब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, कि ये होता है कि हरियाणा में हम देख रहे हैं कि कभी जैसे पहलवान हमें बहुत कम बोलते नजर आते थे, खासतौर पर मसलों पे, मुद्दों पे। अब हम देख रहे हैं उधर से विनेश फोगाट हैं तो उनके पति सोम विराठी हैं, इधर जो है बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी दोनों धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह जब गांव वालों में जब के छोरा बहू गेला बैठा है और तो अपने मतलब एक तरह से एक अच्छा संदेश जो है इसे हम ये गांव वाले सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट किया मेरे गांव ने बजरंग के, बहुत स्वागत किया, 8-10 स्वागत किए मेरे गांव ने, बहुत जोर शोर से मेरे गांव का बहुत सहयोग है इसमें। हम गांव के हमेशा ऋणी रहेंगे, मेरा गांव बहुत अच्छा गांव है जी। तो इस बाबत भी बड़ी पॉजिटिविटी है। हाँ, पूरा गांव एक है, जब भी आवाज देंगे पूरा गांव हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये बजरंग पुनिया के भाई थे, इनका कहना है कि डिटेन इन्हें किया गया तो इन्हें चोटें आई हैं, पैरों पर अपनी जो पट्टी बांधी हुई है वो उन्होंने दिखाई, हाथ पे भी जो मूव लगाकर उन्होंने कुछ कपड़ा बांधा हुआ था वो भी दिखाया। तो ये बसंतकुंज थाने के बाहर वो जो लोग डिटेन किए गए थे वो बाहर आए, उन्होंने हमसे बातचीत की।